हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं मिथुन और आप देख रहे हैं टेक्निकल मीत 83। दोस्तों, आज मैं आपको जल्दी जल्दी से बताऊंगा कि कैसे आप इग्नू कार्ड, इग्नू मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में अगर आप अपने एग्ज़ाम दिए हो और वहां पे जो है आप अपना एग्ज़ाम का जो है अगर आपको बैक लगा तो आप कैसे रीचेक के लिए अपने जो आंसर शीट है उसे रीचेक के लिए कैसे डाल सकते हो। फिर से इसे जो है ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है दोस्तों, तो वो कैसे होता है मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अप्लाई करके आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे जो है अप्लाई आपको करना है दोस्तों। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो वो वीडियो मैंने पहले से बना के रखी है, यहाँ पे आई कार्ड पे आप देख सकते हो। अगर वो वीडियो देखना है तो आई कार्ड पे देखो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो। और इग्नू के ऊपर जो कोई भी डाउट्स है, कुछ करना हो, कुछ भी डाउट हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के आपको दूंगा और आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के वहाँ पे जो है ऑल प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे दोस्तों। इस तरह के वीडियो जो है हम अपने चैनल पे हर रोज़ डालते हैं दोस्तों, और वीडियो को एक लाइक कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए लेट गेट जंप टू द वीडियो। इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे लैपटॉप के आगे हूँ। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे साइड में मोबाइल का भी एक जो है यहाँ पे मोबाइल पे कैसे आप करना है, आप मोबाइल पे अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। देखिए इस तरह से जो है आप मोबाइल से कर सकते हो। और अब जो दिखाऊंगा मैं मोबाइल से नहीं, यहाँ पे लैपटॉप से करूँगा, लेकिन आपको पहले दिखा देता हूँ कि कैसे आप इस तरह से जो है आप मोबाइल पे ये भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं लैपटॉप पे। आप जो है मोबाइल स्क्रीन में यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ब्राउज़र खोलना होगा और यहाँ पे आपको लिखना होगा igno.ac.in। इग्नू का जो है ऑफिशियल साइट यहाँ पे खुल गया है। तो एग्ज़ामिनेशन के बाद जब आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर, समझो कि आपने 2019 का दिसंबर में आपने एग्ज़ाम दिया था, तो यहाँ पे जो है उसका रिजल्ट निकल गया है और अब जो है आप कर सकते हो। इस तरह से एक इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है पॉप अप नोटिफिकेशन, इसका जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे राइट साइड वाला जो सिलेक्ट किया है मैंने, राइट साइड वाला ये जो है यहाँ पे क्या लिखा है आप पढ़ सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन फॉर री इवैल्यूएशन एंड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट फॉर डिसम्बर 2019 टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आप जो है यहाँ से अपने मेल पर आपने जो लिखा है वो आंसर जो आपका नोट है वो भी आपके ईमेल पे ये लोग सेंड कर देंगे, लेकिन इसके लिए जो है आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करना पड़ता है। तो चलिए हम जो है यहाँ पे जो है फॉर्म अप्लाई करके दिखाते हैं। क्लिक किया मैंने, देखिए यहाँ पे जो है जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह सब लिखा हुआ है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो, कोई पढ़ता नहीं है और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। टाइम वेस्ट करके लाभ कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ पे जो है आप एक बात याद रखें कि आप जब भी इसको अप्लाई करने जाओगे तो आपके पास एक इग्नू का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, वो आप यहाँ पे रख ले अपने मोबाइल पे या फिर अपने लैपटॉप पे। और जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर कोड भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है क्लिक करें डिक्लेरेशन पे और फिर जो है एग्री, आई एग्री एंड प्रोसेस पे क्लिक करें। करते ही आप देखिए यहाँ पे दिखा रहा है टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2019 टर्म एंड एग्ज़ाम स्टूडेंट, या फिर आप कौन से मतलब कौन से सेशन में आप एग्जामिनेशन दिए हो और कौन से सेशन का आपको चाहिए। यहाँ पे आंसर स्क्रिप्ट इवैल्यूएशन, यहाँ पे जो है जून 2019 में तो आपको री इवैल्यूएशन के लिए आप डाल नहीं सकते, वहाँ पे खाली आंसर स्क्रिप्ट आपको मिल सकता है। और यहाँ से जो है आप देख सकते हो 2019 का दिसंबर सेशन में जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है उसका आपको री इवैल्यूएशन के लिए आप वहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा 2019। देखिए यहाँ पे आपको अब जो है अपना एनरोलमेंट नंबर देना है, एनरोलमेंट नंबर आपको पता होगा, और उसके बाद जो है आपका प्रोग्राम कोड, मतलब आप बीए का पढ़ाई कर रहे हो तो बीए होगा,
अगर आप एमए का पढ़ाई कर रहे हो तो एमए होगा, यहाँ पे जो है मैं एमए के लिए कर रहा हूँ तो एमए इंग्लिश के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उसका कोड है एमईजी, यहाँ पे मुझे लिखना मतलब चूज़ करना पड़ेगा, तो एमईजी मैंने चूज़ कर लिया। रीवैल्यूएशन के लिए, रीवैल्यूएशन करने के बाद जो है मेरे को मेरे ईमेल में, रजिस्टर ईमेल में मुझे ये कॉपीज ईमेल कर दिया जाएगा, तो यहाँ से आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है आपका ईमेल एड्रेस दिखाएगा, जो रजिस्टर है, मोबाइल नंबर भी दिखा देगा, आपका एनरोलमेंट आईडी और आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर जो है आपका नेम, आपका प्रोग्राम कोड और रीजनल सेंटर कोड भी यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ यहाँ पे शो करेगा, सिटी सब कुछ शो करने के बाद नीचे खाली आपको जो है आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर कोड वो चूज़ करना पड़ेगा, तो वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है अपना सेंटर कोड चूज़ कर लिया है, यहाँ पे सेंटर डालने के बाद जो है यहाँ पे मेरा जो एग्ज़ाम, मैंने जिस जिस सब्जेक्ट में मेरा बैक लगा है या फिर मैं जिस जिस सब्जेक्ट में एग्ज़ामिनेशन दिया हूँ वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाएंगे। तो एक सब्जेक्ट मैंने दिया था एग्ज़ामिनेशन, यहाँ पे जो है इस आईडी में मतलब ये जो है एक ही एग्ज़ाम दिए थे, तो एक ही एग्ज़ाम का जो है यहाँ पे दिखा रहा है, तो फिर से वो सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ कर लेने हैं हमें, और उसके बाद जो है अप्लाई फॉर किसके लिए, रीएवैल्यूएशन ओनली या फिर कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट ओनली या फिर बोथ, तो सबके लिए अलग अलग पैसे लगेंगे आपको। अगर आप रीएवैल्यूएशन ओनली के लिए भेजेंगे तो थोड़ा कम पैसा लगेगा, अगर कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट तो भी कम पैसा, और बोथ के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा, तो मैं बोथ ही कर देता हूँ। उसके बाद जो है ऐड रिक्वेस्ट, देखिए यहाँ पे अमाउंट जो है आपको पड़ेगा ₹850 आपको देना पड़ेगा दोनों के लिए, और एक अगर आप सिलेक्ट करते हो रीवैल्यूएशन ओनली तो इसके लिए जो है आपको ₹750 देना पड़ेगा। यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऐड हो गया है। अब जो है अपलोड आईडी कार्ड अब अपलोड करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो आईडी कार्ड जो है आपको पहले से ही अपने मोबाइल पे या फिर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो आपको लैपटॉप पे जो है रखना पड़ेगा एक आईडी कार्ड अपना। ये आईडी कार्ड जो है आपको इग्नो से जो प्रोवाइड किया गया, तो वहाँ पे जो है 100 KB के अंदर एक स्कैन कर लेना है आपको, उसके बाद जो है इसको जो है आपको अपलोड कर देने हैं, ब्राउज पे जाके वहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड कर देने हैं ऐसे, फिर जो है अपलोड पे क्लिक करना है, और अपलोड पे क्लिक करते ही ये जो है अपलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है अपलोड हो रहा है, अपलोड हो चुका है दोस्तों। अब जो है यहाँ पे सेव एंड पेमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा हमें, तो सेव एंड पेमेंट पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे जो है देखिए वो सब्जेक्ट मेरा दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पेमेंट ऑप्शन, आप किस तरह से जो है पेमेंट करोगे आप देख सकते हो, वहाँ पे जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पेमेंट ऑप्शन आप किस, मतलब गेटवे, दो ही गेटवे यहाँ पे IDBI और HDFC का दो गेटवे यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं IDBI में ही जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे मेरा अकाउंट SBI में है, तो SBI से मैं पेमेंट कर सकता हूँ। वहाँ पे गेटवे पे जाने के बाद जो है यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है, देखिए ट्रांजेक्शन ID और कंट्रोल नंबर सब कुछ दिखा रहा है यहाँ पे जो है आपको, और यहाँ पे मेरा प्रोग्राम कोड भी दिखा रहा है, एग्जामिनेशन सेंटर भी दिखा रहा है, फ़ी भी दिखा रहा है, तो यहाँ पे जाके मुझे क्लिक करना पड़ेगा मेक पेमेंट पे जो है क्लिक कर देना है मुझे। अब जो है मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे खुल चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो पहले ऊपर है क्रेडिट कार्ड, फिर है डेबिट कार्ड, फिर इंटरनेट बैंकिंग UPI, उसके बाद जो है QR कोड स्कैन करके भी आप पे कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके अनुसार आप जिससे पेमेंट करोगे, तो यहाँ पे जो है मैं इंटरनेट बैंकिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे SBI आपको सिलेक्ट करना है, या फिर मेरा SBI है तो मैं SBI सिलेक्ट करूँगा, आपका जो भी बैंक है आप सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है पे नाउ पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद जो है आपको सीधा ले जाएगा उसका पेमेंट पेज पे, और यहाँ से जो है देखिए मैंने SBI का इंटरनेट बैंकिंग सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो है इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पेज जो है खुल गया है, यहाँ पर मुझे खाली पेमेंट कर देना है, पेमेंट कर देने के साथ साथ ही मेरा जो है पेमेंट हो जाएगा और जो है सबमिशन
जो री इवैल्यूएशन फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा दोस्तों। तो ओवरऑल ये बहुत ही इजी है और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियो जो है हम हर रोज़ डालते हैं। अगर आपको अच्छा लगा और आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे बेल आइकन को दबा के ऑल प्रेस कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।